तो यहाँ हो रही थी हमारी एनिवर्सरी की तैयारी और हम देख रहे थे बहुत सारे पार्टी हॉल। हमने एक देखा, दो देखा, तीन देखा, चार देखा, बहुत सारे पार्टी हॉल देखे और अभी डिसाइड करना था हमें कि हमें क्या करना है। इसके बाद अभी बता दूँ आपको कि आज हमें गोल्ड भी लेना था। तो आज ब्लॉग में देखोगे कि हम पूजा के लिए कोई स्पेशल सा गोल्ड लेने वाले हैं, पार्टी हॉल बुक करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, मेहंदी लगने वाली है। बाकी नेक्स्ट वाला ब्लॉग इससे भी खास होगा, तो इस ब्लॉग को पहले लास्ट तक देखो एंड एंजॉय करो। अच्छा भैया, यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करवा, ठीक है? शिवांश पापा को उठा रहे लेकिन पापा उठ ही नहीं रहे। लाइट लगी ना फोन की। ए दादी, आपके सर पे जाके लेट लेट के आपको उठा रहा था। शिवु आज इधर, रात भर ये छटर पटर करके सोता है। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे बेटू और पापा दोनों लगे हुए हैं फ़ोन में और वहाँ पे हमारे कपड़े फैले हुए हैं थोड़े से, वो मैंने रात को लाया था बाहर से, सूखा हुआ था। तो यहाँ बना रही हूँ खाना शिवांश के लिए, तो खिचड़ी बना दिया था तो उसको खिला भी दिया है और जो भी एक्स्ट्रा बच गया था वो रख दिया है। शिवू को मैंने दिया था नमकीन खाने के लिए, तो ये शिवू यहाँ पे लेके खा रहे हैं, वहाँ पे गिरा दिया थोड़ा सा और फिर यहाँ पे आके खा रहे हैं। कर दे पापू को बंद, बंद पापू को बंद, बंद कर दिए। उधर से निकलेंगे, ताला लगाएंगे, चलो 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 चलो, चल मेरे घोड़े चल, टिक 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 टिक, बाबू का स्वेटर। हाँ भैया, कल पार्लर के लिए ना तो शिवांश के वहाँ पे कार्ड में बिठा दे लिए, वहाँ पे कार्ड, हेयर बच्चों का हेयर कट करने के लिए ना कार्ड था। लोगों को पता है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल देखने के लिए और हमारी एनिवर्सरी बहुत ही ग्रैंड तरीके से करने वाले हैं और स्पेशल स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। भैया ड्राइव करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और एनिवर्सरी बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेट करने का हम सोच रहे हैं एंड हमने ग्रैंड करने के लिए बहुत सारे अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया है। आप गेस कर सकते हो, तो कमेंट करना कि कौन कौन आने वाला है, कौन कौन आ सकता है। फिलहाल सीन ये है कि हम लोग सोच रहे हैं ना कि एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग एक मतलब टेंट हाउस बोल सकते हैं या पार्टी हॉल बोल सकते हैं, वो सभी देखने के लिए जा रहे हैं। ब्लॉग देखना लास्ट तक, बताना आप लोग कि ये सही है या नहीं सही है। मेरे पास टाइम काफी कम है क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी भी है। चलो जल्दी से हॉल वगैरह देखते हैं, टेंट वगैरह, हलवाई वगैरह, बस जो भी होगा मतलब बोल सकते हैं ना पार्टी के लिए, वो सब बुकिंग करेंगे अभी। तो आगे हम लोग यहाँ पे और ये जस्ट हमारे रूम के पीछे ही है, ये बहुत बड़ा TDI का बिल्डिंग। शिवू को घोड़ा दिखा दो, जाएंगे उधर देखो वो बड़ा वाला घोड़ा है। यहाँ पे आगे आते ही घोड़ा मिला। शिवो देखो देखो देखो, चल मेरे घोड़े, चलेगा नहीं, रुका हुआ। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इसकी वजह से काफी ज्यादा आवाज आ रही है। शिवू उठ जाइए बेटा। पूजा बाबू के लिए आ जाओ, ये वाला चलेगा। ये पूरा सेपरेट रहेगा, प्राइवेसी रहेगा इसमें। अब ये कितने कितने से पर्स वो, हे गाइस, तो अभी हम लोग अपना पार्टी हॉल ढूंढ रहे हैं एंड सर आसपास का भी सर नॉट बीन है, कुछ डिसाइड कर रहे थे कि एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है और भैया ने काफ़ी हमारा हेल्प भी किया है डिसाइड करने में, मेन्यू वगैरह सब कुछ भैया ने डिसाइड किया है। एंड चलो फिलहाल अभी आगे का प्रोसेस जो भी है वो हम करते हैं, प्रोसेस होने के बाद आपको दिखाएंगे ये सभी जगह हम आपको। कहाँ जा रहा है, झूला है शिवू का नया झूला, मामा लाया शिवू का नया झूला। पूरे
ये फैमिली तो ये यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन अभी स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। तो फाइनली हमने ये प्यारा सा होटल, बहुत ही बड़ा सा होटल है, तो हमने डिसाइड कर लिया एंड यहाँ पे हमने सब कुछ फाइनल कर दिया। बार बार इधर से आ जा रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि ऑफिस ऑफिस है। हाँ। भैया खेलने जा रहे हो गाइस, तो यूनिवर्सिटी की तैयारी हमने कर ली, मतलब जो भी था सबको डिसाइड कर ली है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, गेस करके आप बता सकते हो तो बताना है, हम कमेंट करके बताना। एंड अभी ये देख सकते हैं शिवान सभी, हम जिस होटल में बुक किया ना यहाँ पे ये खेलने के लिए आ चुका है। यहाँ पे सुधा लेक के पास तो नहीं बैठा था, उसमें छोटा था ना, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, अभी सब कुछ समझ रहा है। एवरीवन तो जा रहे हैं अभी रूम पे, डिसाइड सब कुछ हो चुका है एनिवर्सरी के लिए। एंड चलो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना एंड जितना हो सके ब्लेसिंग करो, कल मॉर्निंग में अभी पूजा पाठ भी करना है। और अभी घर का टूर व्लॉग थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि एनिवर्सरी के बाद ये सब लेके आए, हम लोग एनिवर्सरी मनाने आएंगे, झूला पे जाना। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, ये हमारा होटल जहाँ हमने बुकिंग किया है अभी, और चलो बुकिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। सब कुछ डिसाइड हो गया, भैया काफ़ी अच्छे से जो अंदर थे उन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया, पर्सनल हमारा एक पर्सनल सा हॉल ही दे दिया हमें। यहाँ पे दिक्कत क्या था ना कि हम लोग काफ़ी कम बंदे हैं और यहाँ जो भी पार्टी हॉल है वो 100 लोगों के लिए है, तो उससे कम में मतलब मिलना मुश्किल होता है, इन्होंने एक छोटा सा पार्टी हॉल ऑर्गेनाइज करके हमें दे दिया है। घर पहुँचने के बाद दोपहर 2 बजे का सीन, पापा बेटू सो चुके हैं, उधर वो कम्बल उड़ के अपना, इधर ही अपना कम्बल ओढ़ के सो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा है वो धो लेती हूँ, और यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी आती है इस वाले रूम में, एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग उस वाले रूम में आती है एकदम सुबह सुबह, और बाद में इस वाले रूम में काफ़ी टाइम तक धूप रहती है। बाकी ये दोनों सोए हुए हैं, और ये वाला बैग जो है ना ये पहली बार मैं लेके आई थी, मैं सोच रही हूँ कि ये वाला गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि खाना पीना बन गया था, उसके बाद मैंने किचन की सफाई भी कर दी थी और जो भी बर्तन थे वो भी धो दिए, और कपड़े भी ज़्यादा हैं नहीं, थोड़े बहुत कपड़े हैं क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उस दिन तो मॉर्निंग में ही उठ के धो दिया था। हे फैमिली, तो अभी हमने घर कर दिया है लॉक, और हमें डेली लॉक कर करके इधर उधर जाना पड़ता है यहाँ पे, और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एनिवर्सरी की शॉपिंग करने के लिए, कार एकदम गरम है, जो दिखेगा ना घोड़ा चाहे कुत्ता तो हो करेगा, हो घोड़ा घोड़ा भाग गया, भाग गया घोड़ा बेटा, लाइट पे भी नहीं रुका घोड़ा। उसको भी रुकना चाहिए था ना, शिवांश देखता आ गया ना, तो ऊ जो तो झूला पर खुश रहो, आ वही थे भैया के साथ है। अरे 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 हे चरण का प्रवेश नहीं, चरण दीजिए ना इसे, चरण निकाल दीजिए। हे पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं, और नानी है काहे नहीं विश्वास। हे फैमिली, तो यहाँ पे हम आए थे, मम्मी ने ब्लाउज भी सिल दिया, स्टिच कर दिया लहंगा को भी, इसको लेके चलते हैं, और अभी एनिवर्सरी की गिफ्ट मिलने वाली है मुझे, ही आई एम सो एक्साइटेड। कुछ बोलना चाहेंगे क्यों? मेरे पास सब नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं लेकर छोड़ दे। हे फैमिली, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, साथ में भैया है, बाबू है आगे, मम्मी अरे पिल्लू गिर गया, हम तो जाएंगे नहीं, हम तो गाड़ी में बैठे हैं। नो 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 नो, आपको नहीं आना है, नहीं नहीं आपको नहीं आना है, नहीं नहीं मम्मा नहीं आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अंदर रहो, हम लोग 3-4 आदमी यहीं पे रहते हैं, क्या मैं गिर वगैरह, ठीक है।